नीतीश कुमार ने बीमा भारती पर बिना नाम लिए इशारे इशारे में तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एक महिला थी जिसको मैंने एक बार मंत्री बनाया था, मगर वो बार बार कहती थी कि मुझको मंत्री बनाइए। मैंने उसे बोला कि इस बार उपाय नहीं है, तो वो आजकल भागकर आरजेडी के पाले में चली गई। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी देते हुए बताया कि बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का पूर्णिया में क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज संस्थान, ANM, GNM की स्थापना भी की गई है। नीतीश ने कहा कि आप लोग इधर उधर मत जाएं और एक होकर के NDA को वोट दे करके दोबारा से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। हम आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं। मैं तो यहाँ बराबर आकर आप लोगों से मिलता रहता हूँ। पूर्णिया में अब बहुत जल्द ही हवाई अड्डा भी बनकर तैयार हो जाएगा। कड़ी धूप के बावजूद भी घंटों वहां पर लोग खड़े रहे। पूर्णिया लोकसभा के NDA प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा के समर्थन में आयोजित सभा में नीतीश कुमार तकरीबन दोपहर के 12:30 बजे पहुंचे थे, लेकिन वहां पर सुबह 10 बजे से लोगों का हुजूम था। 12 बजे तक पूरा मैदान भर गया था। युवा जमकर नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी में NDA प्रत्याशी संतोष कुशवाहा जिंदाबाद, PM मोदी और CM सुशासन बाबू जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। जैसे ही CM का हेलीकॉप्टर आसमान में नजर आया तो उपस्थित जनसमूह में एक खुशी की लहर देखने को मिली। हेलीकॉप्टर से CM के उतरने के बाद एक झलक उनकी पाने के लिए लोग बेचैन हो रहे थे। जैसे ही CM पर लोगों की नज़र पड़ी तो लोग जिंदाबाद के नारे के साथ साथ हाथ हिलाकर CM का अभिवादन कर रहे थे। इस सभी के बीच नीतीश कुमार भी हाथ जोड़ करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। देश को मोदी और नीतीश की जरूरत है। इस मौके पर संजय झा, राज्यसभा सांसद, ने कहा कि संतोष कुशवाहा NDA के पूर्णिया से उम्मीदवार हैं, जिनके ऊपर कोई भी मामला अभी तक दर्ज नहीं है। संतोष कुशवाहा का परिचय है कि वो एक गलत आदमी नहीं है। सामने वाले के ऊपर कितना केस है वो आप सभी को मालूम होगा। संजय झा ने कहा कि देश को मोदी और बिहार को नीतीश की जरूरत है, तीसरे की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, मंत्री बिहार सरकार, ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उजड़े हुए बिहार को सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। हर वर्ग, हर लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। बिहार को शून्य से शिखर तक ले जाने में काफी मेहनत की है। अनेकों अनेक योजना चलाकर विकास करने में काफी सहायता की है। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि आप लोग सजग मतदाता हैं, आप लोग बिहार को 2005 से पहले भी देख चुके हैं। मंत्री लेसी सिंह ने 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए भी लोगों से कहा कि NDA के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को भारी मतों से जिताइए। हम लोग आप लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सुनते रहिए सहारा समय डिजिटल।